ठीक है, ठीक है हाँ हाँ। मैथ वाला क्लास 1 तारीख से, मैथ वाला क्लास चलेगा 1 तारीख से। अभी हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तुम लोग जितना बड़ा बैल बुतरू है ना उतना बड़ा हम कहीं नहीं देखे, ठीक है 10 का पास और दिमाग नहीं हो। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सामाजिक सुधार संगठन। ठीक है, कोई दिक्कत, हम लोग जैसे देखे थे साइंस देखे थे, उसे देखे थे ज्योग्राफी देखे, ठीक उसी प्रकार से आज हम लोग देखेंगे सामाजिक सुधार का संगठन। ठीक है, आराम से एक एक टॉपिक देखते चल जाएंगे, आप लोग सुनते चल जाइएगा और रिवाइज हो जाएगा उसी प्रकार से। ठीक है, इंग्लिश में भेज दे। सोशल रिफॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, कोई दिक्कत। आज हम लोग यही पढ़ने वाले, ठीक है आप लोग हेडलाइनिंग मार दीजिएगा, ये अक्सर 1-2 को पूछते रहता है। ठीक है, 1-2 क्या रहता है, ये पूछते रहता है, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 5-6 को पढ़ाएंगे, इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन अभी जानते हैं ना, एक का करके नहीं बोलता, बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो बूंद बूंद से भरे चाहे ना, एक का क्वेश्चन करके हम लोग कह जाएंगे 100 क्वेश्चन तक ले चल जाएंगे। ठीक है, बिहार एसएससी की क्लास दे रहे हैं, टाइम 2 बजे, फ्री ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, आप चल जाइएगा मुझे। ठीक है, समझे। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम लोग करके देखते चल जाएंगे। पहला पढ़ेंगे ब्राह्मण समाज, क्या पढ़ेंगे, कोई दिक्कत, तुम दोनों वहाँ जाकर बैठो और रिप्लाई भी देना है, बैठल नहीं रहना है, जगह दो, तुम लोग पिछल गए, चलो ठीक हो गया। दिखावट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कैमरा मैन गलत हो गया। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्राह्मण समाज, को दिक्कत। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुआ, 1828, कितना बो 1828। सब समाज के कुछ न कोई को स्थापना किया और कोई न कोई बात से लेखा जोखा होता होगा, कोई बात का हमेशा लॉजिक होता है। ठीक है, देखिएगा वो इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, के थे वो राजा राम मोहन राय, इस समाज के संस्थापक के था राजा राम मोहन राय। मोहन के रोहन लिख ले हैं, कोई दिक्कत। अब वो इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय दिए थे, वो राजा राम के मोहन राय जो था वो इसके राजा को उपाधि के दिया था, वो अकबर द्वितीय, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत, देखिए कुछ नहीं करना। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुआ, 1828, के संस्थापक के था, इन्हें राजा को उपाधि के दिया था, यहाँ राजा लिखते हैं उपाधि लिखते हैं, राजा को उपाधि के दिया था वो अकबर द्वितीय, कोई दिक्कत। अब देखिए हम आगे धीरे धीरे नहीं बोलते हैं, आप पढ़िए भुलाइए। अगर आप 10,000 कमा रहे हैं, 9,000 खर्च हो रहा है, तो कितना बच रहा है, आप 20,000 कमाइए, कितना बचेगा, खर्च ही बढ़ेगा। तो आप 1 रुपया कमा रहे हैं, 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, आमदनी 98, खर्च रुपये वाला हो गया। आप गर्दा उड़ा के पढ़िए, जितना मन करे उतना पढ़ लीजिए, भुला जाएंगे, भुला जाएंगे, समझा या वही हाल है। ठीक है, वो सुनिए, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, इनके राजा की उपाधि अकबर द्वितीय नहीं देता। ये हिंदू धर्म के कुप्रथा, कुप्रथा मन समझते हैं, एक तरफा वो ना फिल्म है एक तरफा मोहब्बत हमने ही निभाई। उसी तरीक़े से कोई एक साइडेड नियम को ही क्या बोलते हैं, कुप्रथा बोलते हैं। ठीक है, अभी और पढ़ाएंगे। कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाया जिस कारण से उन्हें भारतीय पूर्ण गणराज्य, जिसको बोलते हैं सुधार, पूर्ण गणराज्य को क्या बोलते हैं वो सुधार, तथा आधुनिक भारत का अग्रदूत कहते थे। अग्रदूत किसे कहा जाता था वो? आधुनिक भारत के अग्रदूत को आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता था। कहा आधुनिक भारत के अग्रदूत कहा जाता था। किसे बहू? राजा राम मोहन राय को। कोई दिक्कत? इन्हें भगत सिंह युगदूत कहा था। कि बहू सॉरी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस इसे क्या कहे थे, इन्हें क्या कहे थे? युगदूत। युगदूत क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। देखिए याद रहे ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुआ? के किए? कोई दिक्कत? उपाधि के दिया राजा के? कोई दिक्कत? इनके वो इन्हें समाज सुधारक के नाम से क्या आधुनिक भारत का अग्रदूत के कोई दिक्कत? अग्रदूत कहा जाता था किन्हें? राजा राम राय को। राजा राम मोहन राय को वो युगदूत किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। क्लियर? याद हो गया यहाँ तक ले। अब सुनिए बहू, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत कहा। इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। ये बहु ये कॉलेज की स्थापना की कब बहु? 1817 में कॉलेज का। कोई दिक्कत? वो कॉलेज का नाम क्या था? हिंदू कॉलेज। 1829 में विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। देखिए बहु, राजा राम मोहन राय प्लस विलियम बेंटिक मिलकर किसका अंत किया? सती प्रथा का अंत क्या किया? राजा राम मोहन राय और प्लस विलियम बेंटिक। कब बहु? 1829। कि बहु? 1829। सती प्रथा का अंत कब हुआ? किनके सहयोग से? सहयोग पूछे, विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया के राजा राम मोहन राय ने। कोई दिक्कत? राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत कर दिया था। समझ में आया? किसके सहयोग से? क्लियर? अब देखिए वो सती प्रथा के मतलब क्या होता है? जब पति किसी का मर गया, पत्नी को बांध के जला दो के साथ है। कितना अच्छा प्रथा था क्या? नहीं था। नहीं, ये प्रथा इसी को बोलते कुप्रथा। एक साइडेड था। उस नियम में एगो और लग जाता क्या वो? कि पत्नी मर जाएगा पति को भी जला देता, तो नियम हट जाता। जानते हैं कभी भी कोई चीज़ का डिमांड नहीं कीजिए, डिमांडे नहीं कीजिए। समझ में आया? अगर वो 10 रुपया खा रहा है आप कभी मत कहिए ये कुप्रथा है, सीधे बोलिए 10 रुपया हमको भी दीजिए। घर वाला अगर पापा उसको 5000 दे रहे हैं तो ये बोलो 5000 हमको भी दीजिए, तुरंत बोलेगा छोड़ दो कराने देते हैं। कभी भी कोई नियम को जो है ना, कभी भी कोई नियम के खिलाफ मत जाइए, आप अपने लिए ही मांग कर लीजिए। अगर उसको दे रहा है सरकार 10,000 रुपया मंथली, आप भी कहिए वो है नौकरी में तो हम भी, हमको 10,000 कहीं नहीं मिल रहा, हमको दीजिए। कोई भी नियम को ख़राब मत कहिए, उस नियम अपने लिए भी लागू कर लीजिए। कभी देखा स्कूल में? ऐसा थोड़ी ना बोलता है कि आप लोग यूनिफॉर्म में आइए, आप लोग यूनिफॉर्म में नहीं आइए। लाया होता कभी यूनिफॉर्म के लिए स्कूल के? ना, सब यूनिफॉर्म में जाता है। कभी भी सीधी मुँह बात मत कीजिए। अगर वो नियम आपको नहीं पसंद है तो कुछ ऐसा कीजिए कि आप बड़े अहदे पर चल जाइए। नहीं बोलता है गो टू अपसाइड ऑन चेंज द रूल। समझ में आया? हमेशा ऊपर जाकर नियम बदल दीजिए। आपको गांव के नियम पसंद नहीं आ रहा है, मुखिया बन जाइए, चुनाव जीत के गांव के नियम बदल दीजिए। अगर अपना अनुमंडल के नियम पसंद नहीं आ रहा, विधायक बन जाइए, नियम बदल दीजिए। राज्य के नियम नहीं समझ में आ रहा है, सीएम बन जाइए, नियम बदल दीजिए। पूरा देश को आपको समझ में नहीं आ रहा, पीएम बन जाइए, बदल दीजिए। समझ में आया? तो बदलने से ना होगा, बदलिएगा पहले अपने आप को। ठीक है, 1829 में विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का क्या कर दिया? अंत कर दिया। ये दोनों के सहायता किया था एक आदमी, उसका नाम था क्या था वो? डेविड हेयर के प्रमुख सहयोगी थे। ये दोनों का सहयोगी क्या था? डेविड हेयर। क्या था वो? डेविड हेयर। डेविड हेयर क्या था वो? सहयोगी। ये क्वेश्चन पूछता है डेविड हेयर किसका सहयोगी था? राजा राम मोहन राय प्लस विलियम बेंटिक के। कोई दिक्कत इनके जो होता ना वो डेविड हेयर का अच्छा खासा ज्ञान था, बंगाली के भी, उर्दू के भी, फारसी के भी, ठीक है। ये तीनों का इसको अच्छा ज्ञान के हम समझते हैं, अच्छी खासी भाषा समझ जाती है। जैसे आप लोग अच्छा खासा खाना खा लेती है, खा लेते हैं ना, नाश्ता 25 की रोटी, समझे, तो वो तो कम पड़ गया, देख नेहा का लपेट देगा उतना, ठीक है। अच्छा ज्ञान था, इन्होंने सर्वाधिक पत्रिका फारसी भाषा में लिखा था, माने एक जो बहु पत्रिका अपना सबसे ज़्यादा क्या लिखा था वो फारसी में। डेविड हेयर एक राइट जो भी संपादिका जो पत्र लिखता था, इसको न्यूज़ रिपोर्टर बोलते हैं, ये अपने सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा में लिखा था वो फारसी में, ठीक है। अब सुनिएगा बहू, मिरातुल अखबार फारसी में तथा संवाद कैमुली में बंगाली में भी छपने लग वाले इसकी प्रमुख पत्रिकाएं थी। बंगाली और कैमुल भी इसकी क्या था पत्रिकाएं, मानी न्यूज चलता है ना न्यूज पेपर, जैसा वो भी चलता है द हिंदू, हिंदुस्तान, इंडिया न्यूज चलता है ना, वही प्रकार का। 1833 ईस्वी में लंदन में मेनिंजाइट के कारण इनकी मृत्यु हो गई। मैंने बेचारा मर कब गया था राजा राम मोहन राय, बड़ी जेम्स का बदुआ लिया होगा, समझा, तो मर गया 1833 में। राजा राम मोहन राय की क्या हुआ वो मृत्यु हो गया। वो दिक्कत कौन बीमारी के कारण, मेनिंजाइट्स। कोई दिक्कत, मेनिंजाइट्स कौन बीमारी है, एक दिन बीमारी पढ़ा देंगे आप लोग के बायोलॉजी में, ठीक है, अभी अंदर घुसते नहीं है, डायरेक्ट मेनिंजाइट बीमारी के नाम लीजिए। कोई दिक्कत, इनके दो प्रमुख स्टूडेंट था, क्या था वो वनशीष, क्या था वो, इनके दो प्रमुख शिष्य थे, राजा कुछ नाम था वो राजा राम मोहन राय। कोई दिक्कत, इनके दो शिष्य थे, कितने शिष्य थे, दो। कौन दिक्कत बहु, कौन कौन थे बहु, दो प्रमुख शिष्य कौन कौन थे, नहीं पता। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र, देवेंद्रनाथ टैगोर के बहु दिख रहा है, देवेंद्रनाथ टैगोर, और दूसरा बहु केशव चंद्र। केशव चंद्र सेन। देखिए पहला ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुआ, के किए, कोई दिक्कत, संस्थापक क्या था वो, कोई दिक्कत। अब बताइए राजा राम मोहन राय जो था इनका राजा को उपाधि क्या दिया, कोई दिक्कत। अब देखिए बहू, इन आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता है, अग्रदूत किसे कहा, के कहा, कोई दिक्कत। अब देखिए बहू, मोहन राजा राय मिल विलियम बेंटिक मिलकर सती प्रथा का अंत किया, कब, सती प्रथा का अंत कब के किया, राजा राम मोहन राय। इतने आंसर हो गया, पूछेगा किसके सहायता से, विलियम बेंटिक के सहायता से, ठीक है। अब ये दोनों के सहयोगी था के बहु, इनको क्या कौन सी भाषा ज्ञान था, बंगाली, उर्दू, फारसी, कैविल के भी था, इनके मुख्य प्रमुख पत्रिकाएं थी, ठीक है। अब आते नीचे, ठीक है, इधर राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हो गया, 1833 में, किस बीमारी के कारण, मेनिंजाइट्स के कारण। कोई दिक्कत, राजा राम मोहन राय के कितने शिष्य, दो, कौन कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। कोई दिक्कत बहू, अच्छा बात है। अब सुनिए बहू, अब ये दोनों में देवेंद्रनाथ टैगोर तथा केशव चंद्र के मतभेद हो गया था आपस में, मतभेद नहीं हो जाता है, हो जाता है मतभेद, नेहारिया के एक तरफ बैठा दे, बोले तू उधर घसर, तू इधर घसर, एक जगह तो बैठ नहीं सकते दोनों, तो हो गया मतभेद। उसी प्रकार से ये दोनों के बीच में मतभेद हो गया, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र के बीच, काहे ले, जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी, दोनों का आपस में जो था ना, इसका धर्म कुछ ही था वो, समाज सुधार संगठन का बागडोर, बागडोर के मतलब क्या होता है, बक्सा के चाबी किसके पास चला है, देवेंद्रनाथ टैगोर के पास। तो इसको मन में दुख तो लग ही गया होगा कि सब कुछ इसको मिल गया, तो ये दोनों आपस में बकझक हो गया, और दोनों क्या किया, छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, समाज सुधारक संगठन क्या हुआ, ब्राह्मण समाज को क्या किया, दोनों छोड़ दिया, ले तू भी न रहो हम भी न रहेंगे। तो ये क्या बहु, न घर के न घाट के, ब्राह्मण समाज छोड़ दिया देवेंद्रनाथ टैगोर ने, कि बहु देवेंद्रनाथ टैगोर में 1865, कि बहु 1865 में भारतीय भारतीय आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना, भारतीय आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना क्या किया? देवेंद्रनाथ टैगोर। कब किया? 1865 में। जबकि 1867 में केशव चंद्र सेन ने वेद समाज, 1867 में वेद समाज की स्थापना की। देखिए बहू, भारतीय आदि ब्राह्मण समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर कब बहू? 1865। कोई दिक्कत? भारतीय आदि ब्राह्मण समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर कब किया? केशव चंद्र ने बहू। वेद समाज की स्थापना कब किया? कोई दिक्कत? ये हो गया आप लोग के क्लियर। कई मिनट लगा? 2 मिनट लगा। वीडियो में टाइम दिए, ये सब है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बहुत आज देखिए, सामाजिक सुधार का संगठन कब स्टार्ट हुआ? ब्राह्मण समाज के वह हुआ संस्थापक। कोई दिक्कत? अब इससे वो राजा राम मोहन राय का राजा को उपाधि क्या दिया? कोई दिक्कत? आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? युगदूत किसने कहा राजा राम मोहन राय को? राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हो गया? किस बीमारी के कारण? राजा राम मोहन राय विलियम बेंटिक के सहयोगी कौन थे? कोई दिक्कत? इन्हें कौन सी भाषा का अच्छी ज्ञान थी? उर्दू, फारसी, बंगाली और बैकाली। कोई दिक्कत? अब देखिए बहु, इनके मृत्यु के पश्चात इनके कितने शिष्य थे राजा राम मोहन के? मृत्यु के पश्चात बागडोर किसके हाथ में गया? इनके 2 शिष्य कौन कौन थे? केशव चंद्र, देवेंद्रनाथ टैगोर। कोई दिक्कत? बताइए बहु, आधुनिक भारत आदि ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर 1865 में। ये तो किए थे वेद समाज के संस्थापक ने। कोई दिक्कत? अब हम लोग आते हैं आर्य समाज पे। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना आप लोग के? आ रहा है कि हाँ में ले जा रहे हैं? मिटा दे इसको। चलिए हम लोग आते हैं बाबू आर्य समाज। आर्य समाज भी बस 3 मिनट। समाज होता है। कोई दिक्कत हो? देखिए कुछ नहीं है, एक एक टॉपिक देख ले चल जाएंगे, आज ये चैप्टर क्लियर कर देंगे, ठीक है? इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। कितने वो? दयानंद सरस्वती। कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखिए दयानंद सरस्वती। कहते वो संस्थापक। कोई दिक्कत? आर्य समाज के संस्थापक के थे। कोई दिक्कत? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में किया। 1875 है बहू, लिख देते डायरेक्ट 1875 में मुंबई की। बहू सपनों की नगरी बोलते हैं मुंबई को, फैशन की नगरी बोलते हैं पेरिस को, ठीक है? और 1870 ईस्वी में इसकी शाखा लाहौर में खोली। 1877 वो की वो 1877 में शाखा खुला। वो की वो कहाँ खुला? लाहौर में। कोई दिक्कत? देखिए वो कुछ नहीं, आर्य समाज के संस्थापक क्या है? इन्होंने मुंबई में पहला किया 1800, शाखा खोला कब वो? 1800 कहाँ बहू? चलिए, आर्य समाज का नारा था, इसका एक नारा था कि बहू भारत भारतीयों के लिए। क्या बहू? इसका देखिए 2 नारा था, ठीक है? देखिए एक तो यहाँ ई लगा था नारा, भारत भारतीयों के लिए है, कोई दिक्कत। जबकि दयानंद सरस्वती को नारा लगाए थे वो कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। दयानंद सरस्वती क्या लगाए थे ना, आप लोग को पता, पिछला क्लास में पढ़ाया हम। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, कोई दिक्कत। दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ बो? 1834 में गुजरात में इनका जन्म बो, 1834 बो। कहाँ हुआ था बो? गुजरात में। आ 34 हुआ। देखिए देखो जैसो कब हुआ बो? 1834 में गुजरात में। कब हुआ था? PDF में लिखा ना 34, मतलब 24, हम लिखा 34, हमको याद है ना 24 है, तो लगता हम ही गड़बड़ा गए है ना। 24 सही, चलिए ठीक है, मिस्टेक हो गया। अरे आदमी है, मशीन थोड़ी ना, हमको भी गलत हो सकता है। 1824 में कहाँ हुआ था वो? गुजरात में। क्या हुआ? जन्म। दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ? कोई दिक्कत। इनका नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो ना, इस ये भी नारा है क्या वो? इनका नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, कोई दिक्कत। दो ये गो नारा था, कोई दिक्कत है ना। देखिए डायग्राम बनाते जा रहे हैं, आप लोग को याद करते जा रहे हैं, आप लोग के पूछेंगे ऐसे याद हो जाएगा तुरंत। अब सुनिए बहू, 1824 में जन्म हुआ था इनका। इनका मूल नाम क्या था? हट, इनका मूल नाम शंकर था। मूल शंकर, मूल नहीं लिख लिया। इनका नाम क्या था बहू? मूल शंकर था। इनके गुरु जी का नाम क्या था? बिरजा नंद। इनका गुरु जी का नाम क्या था? कोई दिक्कत, बिरजानंद थे। दयानंद ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का मत समझ में आ गया, बाल विवाह मत समझते हैं। पहले बाल विवाह होता था, 18 साल से भीतर ये सबको क्या कह रहे थे बहू? शादी, ठीक है। इससे क्या सीख मिलता है? लड़की लोग पहले बुद्धिमान हो जाती थी, लड़का लोग कभी बुद्धिमान नहीं होता है, चाहे जितना साल का हो जाए। जब तक लड़का लोग के शादी नहीं हुआ, उसके पहले लड़का बुद्धिमान है, शादी हो गया वो गधा हो गया। क्या मानते हैं कि नहीं मेरा बात? शादी होला के बाद लड़का बुद्धिमान, शादी होला से पहले लड़का बुद्धिमान है, शादी होला के बाद लड़का गधा बन गया। बोली कैसे? वो बोलेगा हजी ला दीजिए, सुनिएगा इसका बात, मम्मी बोलेगा जोरू के गुलाम, अब मम्मी को सुनिएगा बोलेगा अभी भी उधरे है। शादी होला के बाद लड़का गधे है, किसका सुनेगा? घर में रहेगा, दोस्त बोलेगा घर से बाहर निकल, शादी हुआ तो आज़ाद बाहर निकलेगा, बेबी बोलेगा दोस्त के छोड़ा नहीं, अभी तक लावारिगिरी करते हैं, कमाई खाना पाता, मारे फिर तो बन गया गधा। गधा देखा है आप, हम लोग का मेंटलिटी ख़राब है। गधा ज़्यादा मेहनत ही करता है कि घोड़ा? वैल्यू किसको मिलता है? समझ में? घोड़ी की दूध जो होता है कोई खरीदना पसंद नहीं करता है। गधी के दूध का पनीर 70,000 रुपये किलो मिलता है, ठीक है। उसका 1 लीटर दूध आप खरीद नहीं पाइएगा, ठीक है। उतना दिन में गाय खरीद लेंगे, समझा या 1 किलो पनीर खरीदेंगे, उतना तो 2 गाय खरीद लेंगे आराम से। अगर छोटा छोटा गाय हम लोग जो होता है देहाती गाय खरीदेंगे, वो 8-10 वो खरीद लेंगे, पनीर बनाते रहेंगे निकाल के। अंत क्या था वो? बाल विवाह का, पर्दा प्रथा का विरोध किया, किंतु महिला शिक्षा तथा विधवा पूर्ण विवाह समर्थन किया। जानते हैं हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे और जब मॉडर्न में थोड़ा सा और आगे जाएंगे, तो जब अंग्रेज लोग पूर्ण विवाह, विधवा के पूर्ण विवाह किया था, तो अंग्रेज लोग को हम लोग गलत बोलते थे। क्या बोलते थे? अंग्रेज लोग नियम बनाया, कुछ नियम गलत बनाया तो कुछ नियम सही बनाया। जैसे पूर्ण विधवा विवाह बनाया, सही बनाया कि नहीं? अगर बहू किसी का पति 14 साल में मर गया, 94 साल, बाकी पत्नी कैसे जिंदा रहेगी? किस पे जिंदा रहेगी? वो एक बोझ बन जाती है सब पे। घरे में रहो, उसका मुंह नहीं देखल जाता, उसको शादी भी अब नहीं जाल दो, उसको छठियारी में नहीं जाल दो, उसको कोई हर पर्व त्यौहार में उसको कोई मुँह देखने खोजेगा, उसको अच्छा कर्म पे बुलाएगा नहीं, तो उसको कहाँ बुलाइएगा आप? उसको एक रूम में पहले बंद कर दिया जाता था सती प्रथा के बाद, ठीक है। तो उसको क्या किया बहू? राजा राम मोहन राय क्या किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? उसके खिलाफ बोलना चालू किए और अंतिम में ये सब प्रारंभ करा दिया। ठीक है, नहीं सही किया किसी। अच्छा बताइए, एक ही चीज़ बताइए, लड़की के पति मर जाता है, दो को बाल बचा है, तो लड़की द्वारा शादी करेगा ना, तो सब क्या बोलेगा, गलत ढंग से उसको बोलेगा। क्या आप एक को वो लड़का देखे जिसका शादी हो गया दूसरा शादी करता उसको गलत बोलता है? नहीं बोलेगा। यही सब प्रथा को अंत किए थे कि दयानंद सरस्वती। कोई दिक्कत, ये अच्छा बात है ना। हम क्या बोले, कभी भी नियम को खराब मत बोलिए, आपके उसको पर भी लागू कर दीजिए, अपने पर भी लागू कर लीजिए। ठीक है, जो बोलता है आपको मार देंगे मार देंगे, दोनों पर तेल उजलो बोलो माचिस, वो डर जाएगा। मौत से सबको डर लगता है। ठीक है जी, अब वो सुनिए, 1886 में इनके शिष्य हंस राज, इसका एक स्टूडेंट भी था, बहु के बहु शिष्य थे, उसका नाम क्या था, हंस राज। 1886 बहु के बहु 1886 में DAV, हम लोग DAV एंग्लो विद्यालय बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब नहीं होता, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज का स्थापना क्या किया था, हंसराज। हंसराज कौन थे, दयानंद सरस्वती के एक शिष्य थे। कोई दिक्कत। आइए बहु, इसका स्थापना जो भारत के लगभग सभी जिलों में प्रचलित हो गया। खत्म हो गया आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक, इनका मूल नाम क्या था बताइए, मुंबई में इसका शाखा खुला कब, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनका एक शिष्य था, DAV का कॉलेज का स्थापना कौन किए, कोई दिक्कत। इनका गुरु के नाम क्या था, दयानंद सरस्वती के, कोई दिक्कत। दयानंद सरस्वती का नारा क्या था, आर्य समाज का नारा क्या था, बस आर्य समाज गया घर, क्लियर हो गया। रामकृष्ण मिशन, बस ये भी 2 से 3 मिनट। ठीक है, इसमें देखिए आप लोगों को सिर्फ सुनना। इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। क्या बहु, स्वामी विवेकानंद। कोई दिक्कत। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक क्या था, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर इनका नामकरण किया। इसके गुरुजी का नाम क्या था, वो रामकृष्ण। कोई दिक्कत, नामकरण। विवेकानंद का जन्म जो कब हुआ, वो 12 जनवरी 1863 को। ठीक है ना, 12 जनवरी 1800। कोई दिक्कत। इनका नाम नरेंद्र दत्त था। इनका नाम क्या था, वो नरेंद्र दत्त था। रामकृष्ण परमहंस के हिंदू धर्म की शिक्षा दी था। माने रामकृष्ण जो हुआ, वो परमहंस ने हिंदू के शिक्षा दिया। देखिए अभी के डेट में वैदिक धर्म, कोई भी धर्म, किसी धर्म के बारे में सिर्फ एक के धर्म को पढ़ाया जाता है। कोची बहु, मुस्लिम धर्म को पढ़ाया जाता है। उन लोग के जो होता है ना मस्जिद में, उन्हीं लोग को पढ़ाया जाता है। हम लोग के कभी बुलाया मंदिर में कोई, आइए भागवत गीता सुनाते हैं? हम लोग रुचि नहीं रखते अपना धर्म में। नहीं, हम बताते हैं, जाइए। ठीक है, हम लोग देखिए वहाँ तब मंगलवार के होता है, हम लोग जाते नहीं हैं। कितना तो अभी के डेट में जानते हैं, इस सब पर दया दृष्टि हटा जा रहा है। आ गया 5G हैंडसेट लगा ले, उसमें आधा तो जो होता है, आधा पब्लिकेशन जो किसमें बिजी है, इंटरनेट में। हम रहे या 80 साल के बूढ़ पुरानिया रहे, वो भी लगल है। लग गया बाबू एकदम TV, तो नए मोबाइल चला रहे हैं आप, TV में लगल है। अभी अपना बॉडी पे आप लोग 10 मिनट खर्च नहीं कर रहे हैं, आवेला समय 10 साल डॉक्टर के बेड पे खर्च कीजिएगा पैसा, ये तो फिक्स है। अभी आप लोग जो है ना बॉडी पे नहीं खर्च कर रहे हैं टाइम, हम गारंटी देते हैं आवेला समय में आप लोग हॉस्पिटलाइज हो जाइएगा, आप बेड पे काटिएगा 2-3 साल, तो जान निकलेगा आप लोग। जैसा अभी लोग के सब पीढ़ी हो रहा, ठीक है। 1887 में इन्होंने कलकत्ता में बेलम रोड स्थापना की। देखिए वो बेलूर मठ होता है, क्यों होता है वो लिखल गलत है। इन्होंने वो 1893 में कलकत्ता वो कहाँ वो बेरू मठ कि वो कलकत्ता बेरू मठ में स्थापना की। 1893 में इन्होंने ऐतिहासिक शिकागो धर्म सम्मेलन में शामिल हुआ। 1893 वो कि वो धर्म सम्मेलन की कोई दिक्कत तुमसे पूछा जाएगा इन्होंने धर्म सम्मेलन में भाग कब लिया, 1893 में। कहाँ बहु कलकत्ता में, कोई दिक्कत। बेलूर मठ में तो स्थापना किया था, भाग लिया था कलकत्ता में। इन्होंने अमेरिका में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। कोशिक बहु वेदांत सोसाइटी की स्थापना क्या किया स्वामी विवेकानंद बहु 1896 में। 1897 इन्होंने बेलूर मठ की रामकृष्ण मिशन के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना दिया। 1902 में इसकी मृत्यु हो गई। 1902 में सही बात है ना, 1902 में बेचारा चल गए, कोई दिक्कत। आप लोग के ये भी हो गया क्लियर। इतनी सुख ज़्यादा नहीं पढ़िए, छोटा टॉपिक था तब ने 3 मिनट बोले। मिशन का संस्थापक, जन्म, बस ये 2 को पूछे करता है। हम वही चीज़ पढ़ाएंगे जो पूछेगा। हम क्या बोले शुरू फर्स्ट क्लास में बोले विधाता नहीं बनना, विधाता के चक्कर में जानते हैं ना। आप देखिए हम लोग पढ़ते हैं यंग बंग के आंदोलन की बहु, ये भी देखिए 2 मिनट के खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत। इसे हेनरी विलियम डेरिजिओ ने 1828 में प्रारंभ किया। इसे स्टार्ट किया वो ना विलियम डेरिजिओ, इसको शुरू किया वो हेनरी विलियम डेरिजिओ क्या वो डेरिजिओ कब किया 1828 में। इसको एक चैप्टर आएगा वह पढ़ा देंगे अच्छे से। बंगाल के युवाओं का आंदोलन था, ये भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता की मांग किया। बस इसको इतने सुबह भारतीय काहे चलाया गया भारतीय स्वतंत्रता प्रेस की अनुमति लेने के लिए। के चलाया था वो हेनरी विलियम डेरिजिओ ने। कब चलाया 1828 में। हो गया क्लियर, समझ में आ गया। अब आते हैं वो मुस्लिम सुधार आंदोलन, ठीक है। बस 2 मिनट में सब क्लियर कर देंगे। ये एक आंदोलन का नाम है, ठीक है, कोई खास तात्पर्य नहीं रखता। इंक डालने में हमको जितना समय लगता है उतना देर में वो पढ़ा देते हैं। तुम लोग के नहीं भी लगा नौकरी वोकरी तो काम चल जाएगा। काम क्या जिंदगी चल जाएगा। लड़का लोग के नौकरी नहीं लगेगा तो समझ रहे हैं जिंदगी नहीं जाएगा। देखिए हम बताते हैं, एक लाइन देखें, एक लाइन ये बॉय है क्या है वो देखे, इधर जॉब है वो, ठीक है। इस लाइन की इधर गया इज्जत है, लड़का इस लाइन की इधर आया कोई इज्जत नहीं, इधर गया सब कुछ है, फैमिली साथ है, भाई बहन सब साथ रहेगा, अड़ोसी पड़ोसी सब साथ रहेगा। इधर गया सब बोलेगा नालायक है तू, इधर लायक इधर नालायक। ये रास्ता पे इज्जत प्यार मोहब्बत सब कुछ, इधर गाली गलौज लाती जूता सब, ठीक है। इधर बहू घर में एकदम नहीं बोलता, सब कुछ आपका ठीक ठाक, इधर चांसें नहीं है। लड़का जानते सबसे डिफिकल्ट जानते हैं क्या होता है, लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होता है, लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। देखिए ये गाछ ना समझिए, ये लड़का है, इधर गया तो सब वैल्यू है, इधर गया तो कोई वैल्यू नहीं है। लड़का होना आम बात थोड़ी ना बाबू, लड़का हो जाना यह बड़ी बात है। आप लोग सारा कुछ लेके जन्मते हैं, समझते हैं। लड़की है इज्जत दो, लड़का है मसाले को। एक गुण मार्केट में कुछ हुआ नहीं, तुरते से चार को आप लोग मार्केट में स्कूटी चला गिर जाइएगा, आपको 17 को उठाने के लिए आएगा। लड़का लोग गिर गया बन हीरो, समझना है। लड़का लोग के बड़ी डिफिकल्ट जिंदगी, लड़का लोग गिरा उसको उठवेला कोई नहीं है, देख रहा उसका मोबाइल में किधर गिर लो, समझना है, उसका पर्स किधर है, स्कूटी को तोड़ के भाग। अरे लड़का लोग गलती नहीं भी करेगा उसको शक से नजर से देखेगा। लड़की लोग है एक लड़का लोग के मार दिया, काहे मार दिया, जरूर लड़की छड़ा होगा, और लड़का मार दिया तो देखो नहीं इसको कोई माँ बाप संस्कार दे दिया, लड़की पर हाथ उठा दिया। हम तो कहते एगो देखे वीडियो तो लड़का को मार देता एक चाट, लड़की जो होता है लड़का को मारते एक चाट। लड़का बोलता हमको माँ बाप ने लड़की पर हाथ उठाना नहीं सिखाया, मारता लात से उड़िया बिगाड़ देता लड़की उधर वो सब लड़का एकदम एक्शन अचय कुमार ने घूर के मारता। हाँ कोई दिक्कत। मुस्लिम सुधार आंदोलन पढ़ते हैं बहु, बहावी आंदोलन सुनिएगा बहु, एक एक टॉपिक करते जाएंगे, आप लोग के क्लियर होते चले जाएगा, ठीक है। पहला क्या पढ़ा रहे बहु, वहावी आंदोलन। सुनिएगा, हल्ला नहीं कीजिए। इसका प्रारंभ बरेली से हुआ, किंतु पटना इसका केंद्र बना। यह पश्चिमी संस्कृति का विरोध करते थे। इसका संस्थापक सैयद अहमद बरेली, सैयद अहमद बरेली थे। यह सबसे संगठित आंदोलन था। सर ये देखिए कोई खास तत्पर नहीं था। स्टार्ट कहाँ हुआ था बहु, बरेली से। मुख्य केंद्र कहाँ बना बहु, पटना बहु। इसका संस्थापक क्या था बहु, सैयद अहमद बरेली। क्या बहु, सैयद अहमद बरेली। इसका संस्थापक क्या था बहु, कोई दिक्कत। संस्थापक कोई दिक्कत। स्टार्ट कहाँ से हुआ था बहु, बरेली से। मुख्य केंद्र कहाँ बन गया बहु, पटना। कोई दिक्कत, क्लियर, समझ में आया। दूसरा टॉपिक देखिए, कोई दिक्कत। सुनिए वो, इसका प्रारंभ अलीगढ़ से हुआ। इसका उद्देश्य मुसलमानों का उच्च शिक्षा देना था। इसका स्टार्ट कहाँ से बहु, अलीगढ़ से। इसका एक ही उद्देश्य था, क्या बहु, मुसलमान लोग के उच्च शिक्षा देना। उच्च शिक्षा क्या बोलते हैं, जैसे प्राइवेट और सरकारी। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा दिया तो बोलता है कि सरकारी में पढ़ा दिया। सरकारी में पढ़ना कोई नहीं चाहता है, लेकिन सरकारी नौकरी सबको चाहिए, समझ में आया। कभी एक अच्छा बताइए जो देहाती गवार टाइप मैंने बोलता है नो फैशन, उसको लड़का देख के सिटी तक नहीं बजाएगा, बजाएगा ना, देखे में अच्छा ना लगा को। टाउन में एक सजी धजी फैशन शो की लड़की, उसको सब देखता है, शादी ब्याह सब बोलता है ऐसे लड़के से करेंगे। अच्छा कि बताइए उसको ऑप्शन लाएगा, घर में रखेगा ऑप्शन, बोलेगा साड़ी पहनो। जब तोरा वही पहनावे था या उसने रखे था तो गांव ग्राम वाला कम पड़ गया था। चाहिए सबको अच्छा, रखेगा कोई अच्छा नहीं। नियत सब बोलेगा अच्छा रखो, अपने खुद खराब करके बैठल है। और स्टेटस सुंदर सुंदर, अपना स्टेटस खराब खराब बने लिए, समझ में। सब लगाएगा देशभक्ति स्टेटस, 15 अगस्त आवेल दो, 26 जनवरी आवेल दो, 2 अक्टूबर आवेल दो। जो वो व्यक्ति पर क्या भरोसा करना जो अपना प्रत्येक दिन स्टेटस बदल दे। स्टेटस का मतलब होता है औकात। जो व्यक्ति रोज़ अपना औकात बदल दे, आज यहाँ कल वहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, उस पर भरोसा करना है नहीं करना चाहिए। तो ये शिक्षा काल था, अलीगढ़ से स्टार्ट हुआ था वो, कोई दिक्कत। एक किस लिए था, मुसलमान लोग को उस शिक्षा प्रदान करने के लिए था, कोई दिक्कत। इसका संस्थापक सैयद अहमद खान था, सैयद अहमद खान। भी दिखता, कोई दिक्कत, दिख रहा है 1875। दिखना कहाँ है इसमें, 1875 में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया। कौन कॉलेज के बाबू 1875 में? अब बोलेगी नहीं। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, कोई दिक्कत, ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में सर अहमद खान ने पीरियोडिक एसोसिएशन, कोई दिक्कत, स्थापना किया था। 1920 में से क्या कर दिया बाबू? मुस्लिम कॉलेज 1920 में, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। आप लोग को पढ़ेंगे अब अहमदिया आंदोलन, क्या पढ़ेंगे? अहमदिया आंदोलन। देखिए कुछ खास तात्पर्य रखते हैं, सबको एक एक टॉपिक पूछ रहा है इसीलिए इसे झटके में निकालते जा रहे हैं, ठीक है, पता नहीं चल रहा है किसी को। इसका प्रारंभ गुरुदासपुर से हुआ था। ये हिंदू मुस्लिम में एकता लाना चाहते थे। देखिए वो ये जो इसका खास तत्व अहमदिया आंदोलन जो था किस लिए था? हिंदू मुस्लिम एकता लाने के लिए था। ये वो गुरुदासपुर से शुरू हुआ था, हिंदू मुस्लिम की एकता लाना चाहते थे। इसके संस्थापक मिर्जी अहमद ने खुद को कृष्ण का अवतार बताया। कि वो इसका संस्थापक क्या था? मिर्जी, कि वो मिर्जी ना था, मिर्जी था, क्या था वो? मिर्जी अहमद। इन्होंने क्या बताया खुद को? कृष्ण का अवतार। अच्छा बताइए, कृष्ण जी का अवतार है मिर्जी? झूठ बोल दिया, घोषित किया, जिस कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस संस्था से हट गए। अच्छा बताए, तू ही बोल दो हम अल्लाह है, तू ही बोल दो हम भगवान है, तोरा हिंदू भी नहीं मानेगा ना, तोरा मुस्लिम भी मानेगा, मानेगा, एक दूसरे से दूरी बना लेगा। क्या बना लेगा? उसी प्रकार से मिर्जी अहमद से क्या बना लिया? दूरी बना लिया। क्यों? क्योंकि खुद को क्या बताया? कृष्ण का अवतार बताया। कोई दिक्कत? यह आंदोलन किस लिए चलाया गया? कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए। अब आते हैं बहु देवबंद, क्या बहु? कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कर लिए तुम लोग? नोट कर लो। हो गया? नोट करो तुम लोग, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब सुनिए बहू, हो गया ना, कर लेना बाद में। हम जितना फास्ट चलते हैं, अच्छा बताइए, हम तो टीवी है, आप लोग रिमोट है, समझ में आ रहा है? कंट्रोल कर लीजिएगा, 3 डॉट पे जाइएगा, स्लो मोशन डालिएगा, स्क्रीनशॉट। हम तो हटते रहते हैं बोर्ड के सामने से। आप समझिए, जानते हैं एक कमी होता है क्या? जिसे पूरा समाज गाली दे उसे आप नहीं दीजिए, क्योंकि पूरा समाज उसको दे रहा है तो आप काहे दे रहे हैं? बुड़बक ने हैं। अच्छा एक बात बताइए, जिसे पूरा गांव लपड़ा रहा है उसको आप मारिए लीजिएगा एक लपड़ा तो क्या हो जाएगा उसको? और जिसे आप मार रहे हैं उसे पूरा समाज नहीं मार रहा है, तो पहले एक बार अपने आप को देख लीजिए कि आप कितना अच्छा, पूरा समाज अच्छा बोल रहा है, तो अगर मार लें, ठीक है। नहीं समझते हैं, एक व्यक्ति कमाता है चाहे नहीं कमाता है, उसे सब पूछता है कि आप कितना कमाते, नहीं पूछता है किसी का सैलरी और गैलरी, अंदाजा नहीं लगाइए आप, कुछ भी रख ले रहे, सब पूछता है कि आप कितना कमाते हैं, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कितना मेहनत से कमाते हैं। कोई पूछता है आप लोग से? नहीं पूछेगा। अभी जानते हैं, एगो हम ट्यूशन देता है, कोई बताइए, एक 2000 रुपया होता है, प्रतिभा को लूटा जा रहा है। अभी पॉकेट खर्च निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं? ट्यूशन देते हैं जी, कितना आता है? 500। गाँव ग्राम में तो ट्यूशन का वैल्यू कम है, सोचिए कितना। अगर 8 घंटा आप ड्यूटी कहीं करते तो आपको कितना मिलता है? एक दिन के 450 रुपया। वो हिसाब से खटते हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, चाहे कोई छोटा टीचर पढ़ाता है, कितना मिलता है उसको? कितना परेशानी होता होगा, फिर भी उसको पैसा रोक लिया जाता है। प्रतिभा को लूटता है। सरकारी प्राइवेट स्कूल में टीचर जाता है उसको कितना मिलता है 2500, 2000, 3000, 6 घंटा ड्यूटी और रोज का क्या होगा उसको में। ठीक है, अब बात है वो जनजातीय आंदोलन। ठीक है, जना रहा है कैमरा में हाँ। ठीक है, इसको भी एक एक टॉपिक करते जाएंगे, आप लोग देखते जाइएगा। पहला सन्यासी विद्रोह। कोई दिक्कत बाबू? देखिए हमने बोले किसे कहते ये टॉपिक आप लोग को टॉपिक नहीं है, सिर्फ आप इस टॉपिक को एक बार नोट डाउन करने की इच्छा हो तो कीजिएगा और नहीं तो पीडीएफ प्रोवाइड तो हम कराइए देंगे। व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप नंबर दे दिए। ठीक है, आप लोग भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। कोई भी समस्या हो, मैथ, रीजनिंग, साइंस, आर्ट्स, ऐसा बात है। नंबर में कोई ध्यान से देख रहा होगा, जो पढ़ाते हो ध्यान से नहीं देखा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, समझ में आया। अब देखिए बहुत सन्यासी, यह बंगाल से प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स में कोई कमी नहीं किया, जिस कारण से सन्यासियों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को वारेन हेस्टिंग्स ने दबा दिया। इसी चर्चा के बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक में आनंद मठ में है, आनंद मठ एक पुस्तक का नाम है, उसके लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। कोई दिक्कत बहु? चटर्जी होता है, कोई दिक्कत बहु? ये क्यों चलाया गया था? ये विद्रोह किया था सन्यासियों ने। क्या वो सन्यासी के समझते हैं शादी ब्याह कैले छोड़ छाड़ के भाग गया, साधु संत बन गया, कोई शादी ब्याह ना किया, सन्यासी बोलते। कोई दिक्कत? बेस्ट लाइफ सन्यासी के हैं, समझ में आया। शादी ब्याह भोरे उठो ने खिटपिट ए जी हो जी, माने आपके पास डाटा है लेकिन जी उसका है, जिंदा रहो ओकरा परी, समझ में आया। तो सन्यासियों ने क्यों किया था ये आंदोलन? अंग्रेज जब अकाल पड़ा था, अकाल किसको बोलते हैं? खाना पीना कमी, कोई बीमारी आ गई, चाहे पानी नहीं पड़ा 3 साल, क्या वो पानी नहीं पड़ा 3 साल, अकाल घोषित हो जाएगा। कोई राज्य में अकाल घोषित हो जाता है, तो उस जैसे अकाल घोषित हो गया तो सरकार जो अंग्रेज था फिर भी टैक्स मैं समझता वसूली कम नहीं किया था। ठीक है, और उसे दबा के दिया था। क्या दबा दिए थे वो? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। ये सब कहाँ मिलता है? चटर्जी के किताब में। कौन वो? बंकिम चटर्जी के किताब में मिलता हो। किताब के नाम क्या था? आनंद मठ। क्लियर? देखिए टॉपिक हो गया क्लियर। आप लोग एक बार इसको हम बोले ना, जो लिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, जो नहीं लिख रहे हैं वो वेरी इम्पोर्टेंट है, समझ में आया। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा वॉइस में। दूसरा क्या है भाव सुनिएगा, पागलपंथी विद्रोह। पंथी है, पागलपंथी ने तो ये सुना पड़ा होगा, पागलपंथी विद्रोह। कोई दिक्कत? समझे पागल लोग। यह बंगाल के क्षेत्र से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत 1885 भाव। इसकी शुरुआत कब हुआ भाव? बंगाल से हुआ 1825। 1885 बोले थे हमें, अच्छा 1825। कर्ण शाह ने किया था। क्या किया था वो? कर्ण शाह। हिंदी बड़ा गलत होने लगा। कर्ण शाह ने किया। इसके बाद इसका नेतृत्व पुत्र टीपू ने किया था। इसका पुत्र क्या था वो? टीपू। तो दिक्कत हो गया, ये भी क्लियर। पागलपंथी विद्रोह कब हुआ? कहाँ से? के किया? इसके बाद टीपू कौन था? सन्यासी विद्रोह क्यों चलाया गया था? अकाल पड़ने के बाद भी अंग्रेज क्या ने कम किया था? टैक्स। उस विद्रोह को दबा दिया था के वारेन हेस्टिंग्स। वो कहाँ मिलता है? कौन किताब में? आनंद मठ। आनंद मठ के लिखा? बंकिम चटर्जी। कोई दिक्कत? अब आते हैं बहु फरायसी विद्रोह। फरायसी इसकी शुरुआत बंगाल में शाहतुल्ला ने दामू मियाँ ने किया, शाहतुल्ला दामू मियाँ किया तथा शाहतुल्ला दामू मियाँ ने किया। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ बहू? बंगाल से हुआ। कहाँ से हुआ? क्या किया था? बंगाल से ही ऊपर, ठीक है। और कुछ क्या क्या था वो? साद तुल्ला, तुल्ला कैसे लिखा था? तुल्ला। और क्या था बहू? दाऊद दादू मियाँ। कोई दिक्कत? देखिए बहू, फराइसी विद्रोह क्या किया? बंगाल साद तुल्ला प्लस बंगाल में हुआ, स्टार्ट हुआ यहाँ से, किया था ये दोनों मिल के। कोई दिक्कत? समझा गया। अब आते बहू अमोह, अमोह विद्रोह की बहू। अमोह नहीं, गलत लिखा था, अहोम होगा, अहोम कि बहू, यहाँ अमोद लिख दिया। अहोम विद्रोह यह असम से प्रारंभ हुआ कि बहू, कहाँ से बहू? इसका नेतृत्व इस बार में गोमघर किया था। क्या किया था बहू? गोमघर कुंवर ने किया था 1828 में ईस्वी में। क्या लिखा है? गोमघर ने किया था, गोमघर कुंवर। कोई दिक्कत बहू? देखिए बहू, अहोम विद्रोह के कहाँ से हुआ था? असम। कब हुआ? क्या किया? गोमघर, गोलघर ने, गोमघर, गोमघर, गोम गोम कुंवर ने। खासी विद्रोह क्या बहू? जेतोनी में अक्सर होते रहता टेस्ट के दिन। हो गया? टाइम ज़्यादा हो गया क्या? बस 10 मिनट। आज एक ही पार्ट 1 पार्ट 2 देते हैं ना, तो वीडियो दूर हो जाता है, क्लास आप लोग डरते हैं, इसीलिए पार्ट 1 पार्ट 2 एक ही में दे देते, ठीक है। आधा घंटा निपट देंगे, टेंशन तो नहीं लो। खासी विद्रोह बहू यह मेघालय की खासी पहाड़ी से, ये खासी विद्रोह खोखनीला खासी ना, ये खासी पहाड़ी से, खासी पहाड़ी मेघालय में बहू, ठीक है, वहाँ से शुरू हुआ। 1833 में प्रारंभ हुआ। इसका नेतृत्व तीरथ सिंह किया था। क्या किया था बहू? मेघालय से हुआ था। कहाँ से हुआ था बहू? कब हुआ था बहू? 1833। क्या किया था बहू? तीरथ सिंह। कोई दिक्कत? देखिए पाँचों पढ़ाएँ 5 मिनट के अंदर, ठीक है। आप पाँचों आप लोग को याद हो गया। देखिए बहू, सन्यासी विद्रोह क्यों किया गया था? अकाल पड़ गया था, अकाल में पड़ गया था। अंग्रेज टैक्स कम नहीं कर रहा था, सन्यासों ने एक आंदोलन छेड़ा, इसे दबा दिया था। क्या आंदोलन के? वारेन हेस्टिंग्स। कोई दिक्कत? ये वारेन हेस्टिंग्स जो चाहिए आंदोलन के बारे में कहाँ लिखा हुआ? आनंद मठ में ना, आनंद मठ जो बुक के लिखा बंकिम चंद्र जी कंप्लीट। दूसरा क्या था? पागलपंथी विद्रोह। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कब? इसका नेतृत्व कब के किया? इसका पुत्र क्या था? इसके बाद क्या आते किया? फराइसी का विद्रोह क्या किया? सातुल्ला प्लस अहोम विद्रोह कहाँ से? खासी विद्रोह मेघालय। तरह एक पहाड़ी था जिनका नाम था खासी। कोई दिक्कत? कब? नेतृत्व क्या किया? अब आते बहू रामोसी विद्रोह। कोई दिक्कत? यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से शुरू हुआ। इसका नेतृत्व चित्तूर सिंह ने किया। क्या बो? स्टार्ट कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से बो। कहाँ से बो? कोई दिक्कत? इसका नेतृत्व क्या किया था बो? चित्तूर सिंह। यह किसानों का विद्रोह था, माने को खास तात्पर्य किसान इसका विद्रोह किया था। क्या वो कहाँ से? वो पश्चिमी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से के विद्रोह किया किसान लोग। कोई दिक्कत? उसका किसान लोग का नेतृत्व के कर सो मुखिया के था वो चित्तूर सिंह। कोई दिक्कत? कुक्का विद्रोह देखिए, कोई दिक्कत? यह पंजाब के क्षेत्र से शुरू हुआ, इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल कर रहे थे। क्या वो भगत जवाहर? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पंजाब से। कहाँ से वो? इसका नेतृत्व क्या करता वो? भगत जवाहर मल। कोई दिक्कत? देखिए एक टॉपिक है नेतृत्व, तुमसे ये पूरा नहीं पूछेगा किसके लिए क्यों किया, नहीं पूछेगा इसका नेतृत्व किया कहाँ से हुआ। बस कुक्का विद्रोह पंजाब से शुरू हुआ, नेतृत्व क्या किया? भगत जवाहर मल। कोई दिक्कत? संस्थाली विद्रोह, संस्थाली विद्रोह। कोई दिक्कत? टाइम लगता ज़्यादा हो गया क्या? बस सब्र का फल मीठा होगा, समझ में आया? 2 मिनट ना, फल कैसे खट्टा हो जाएगा? फल फ्रिज में रख देंगे, खाली रिया से बचा कर रखना फ्रिज। अभी तक तुम लाई नहीं रिया जो हम बोले। नहीं सानी सही बोला ना मैं? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग ऑनलाइन ना बच्चे, लेकिन लाइक शेयर आप लोग आ नहीं रहा बाबू, बात है इसके लिए आप लोग जो है ना थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमको। क्या वो? सुनिए वो संस्थाली विद्रोह 8वां नंबर में क्या था? यह वो झारखंड से स्टार्ट हुआ था। क्या वो? यह झारखंड के राजमहल के पहाड़ी से शुरू हुआ, यह जमींदारों के विरुद्ध था, इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था। वो 1856 आते आते यह विद्रोह समाप्त हो गया। यह विद्रोह समाप्त कब हुआ था? वो समाप्त कब हुआ? 1856। क्या हो गया था? समाप्त। कोई दिक्कत? ये कहाँ हुआ? यह झारखंड के राजमहल के पहाड़ी से शुरू हुआ, जमींदारों के विरुद्ध था। कहते वो जमींदारों के, ये झारखंड के महलों से कुछ बोलता राजमहल से पहाड़ी से शुरू हुआ, ऐसे वो जमींदारों के विरुद्ध था, इसका नेतृत्व क्या किया था? सिद्धू कान्हू। के वो सिद्धू कान्हू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना? आप सुनिए वो आए वो 1856 आते थे, क्या हुआ विद्रोह? समाप्त हो गया। मुंडा विद्रोह, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आई है। यह झारखंड के जनजाति विद्रोह था। क्या वो? यह झारखंड के एक जनजाति पाया था, उसे मुंडा जाति कहते, ठीक है, जो मुंडा जनजाति ने किया था, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। क्या वो? यह स्टार्ट कहाँ होता है? वो JH झारखंड से स्टार्ट होता है। कोई दिक्कत? वो इसका नेतृत्व क्या किया था? वो बिरसा मुंडा। अब बताइए बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? वो 15 नवंबर 1874 ईस्वी में हुआ, इसीलिए झारखंड की स्थापना माना है वो, झारखंड की स्थापना वो 15 नवंबर को की गई है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर। कोई दिक्कत? 15 स्थापना 15 ये नहीं इतवाद, ये सब कॉमन चीज बात का टाइम पास करें। ताना भगत आंदोलन, कोई दिक्कत? यह भी कहाँ चलता है? वो झारखंड से ही प्रारंभ हुआ, इसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था। कि वो जतरा भगत, ये भी झारखंड से। वो कहाँ से? वो इसका नेतृत्व वो जतरा। कोई दिक्कत? देखिए एक सेकंड में आप लोग उबिया जाते हैं। आप लोग समय दीजिएगा, लॉन्ग वीडियो भला के जाएगा लेकिन आप लोग को समझ में बेहतर आएगा। समझ में आया? किसान विद्रोह, देखिए वो किसान विद्रोह। अभी टॉपिक हो गया खत्म, ठीक है। विद्रोह जो हुआ खत्म हो गया। सागर आपका ध्यान किधर है? मार खा जाइएगा। हम आज आप लोग के स्पीड में खींच रहे इसलिए कि ताकि हम पिछला क्लास में क्लास नहीं ले पाए, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा आज वीडियो जो है, चाहे हम बोल भी स्पीड रहे हैं, कर भी स्पीड रहे हैं, आपको आप लोग को टाइम पास भी नहीं कर रहा है, ना हंसा रहे हैं ना कॉमेंट कुछ कर रहे हैं, ठीक है। कि ताकि आज आप लोग फटाक से लेसन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को वीडियो स्पीड लगे, थ्री डॉट हमको रिमोट से थोड़ा सा स्पीड कमा दीजिएगा, फिर धीरे धीरे उसे बोलेंगे। अंग्रेजों ने भारतीय किसान का शोषण बहुत बड़े पैमाने पे किया। किसान विद्रोह बहुत बड़े पैमाने पर शोषण करना हम समझते हैं, यूज करना लगे थे, जिस कारण से भारतीय किसान अत्यधिक गरीब हो गया और उसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह करना प्रारंभ किया। माने वो अंग्रेज जो था वो भारतीय किसान को क्या किया? बड़े पैमाने पर शोषण करना शुरू किया। किसान बहुत गरीब हो गया, इस जिसके कारण से क्या किया वो पूरे राज हो गया, जिन्हें तेने क्या हुआ विद्रोह करना चालू किया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें पहला विद्रोह का नाम आता है वो क्या? नील विद्रोह। नील विद्रोह बहु, ठीक है, 1859 से 60। सुनिए बहु, यह बंगाल के नदियाँ जिला से प्रारंभ हुआ, किसानों का आंदोलन था। यह इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया था। इसका नेतृत्व क्या किया बहु? दिगंबर। और क्या किया था बहु? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। क्या बहु? कोई दिक्कत? दोनों विश्वास लगा दीजिएगा, विश्वास करने लायक थे। इसकी चर्चा दीनबंधु मित्र की रचना नील दर्पण तथा हरिश्चंद्र मुखर्जी की पुस्तक में हिंदू पेट्रियोटिक मिलता है। कोई दिक्कत? ये दोनों की चर्चा मिलने से मतलब नहीं है। इसका विद्रोह क्यों था? किसान के लिए था। कोई दिक्कत? क्या किया था बहु? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास नेतृत्व। कोई दिक्कत बहु? अब आते हैं बहु चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। ये सब आप लोग में है ना। दूसरा क्या? ये हम पढ़ा दिए थे ना, नहीं पढ़ाए आप लोग के? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? देखिए सब कैसे याद है। 1917 में यह बिहार के चंपारण से प्रारंभ होता है। इसका नेतृत्व क्या किया था? महात्मा गांधी। क्या बहु? महात्मा गांधी। यह निहले जमींदार के विरुद्ध एक आंदोलन था। ये जमींदार 3 कठिया पद्धति के तहत 20 कट्ठा खेत में जबरदस्ती 3 कट्ठे पर नील की खेती करवाते थे। अंग्रेज जो था वो एक जमींदार था। 20 कट्ठा में जानते हैं 17 कट्ठा में आप अनाज रोपिए और 3 कट्ठा में क्या रोपिए? नील की खेती कीजिए। अब वो नील की खेती जहाँ होता था वो ज़मीन 3 साल के लिए क्या हो जाता था? बंजर हो जाता था, ठीक है। इस अगर ऐसी सिलसिला चलते रहा तो क्या हो जाता? पूरे किसान का ज़मीन क्या हो जाता? बंजर हो जाता। तो ये सत्याग्रह के करवाया था वो किसानों ने। इसका नेतृत्व क्या किया था? महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह बिहार के पश्चिम चंपारण शुरू हुआ वो। ये कब हुआ था वो? 1917 में। कोई दिक्कत? इस पद्धति को समाप्त करवाया था के वो? महात्मा गांधी ने। कोई दिक्कत? अब आते हैं वो खेड़ा सत्याग्रह। कब हुआ था वो? 1918। ये कहाँ हुआ था वो? गुजरात से खेड़ा महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। ये कहाँ हुआ था वो? बिहार। क्या हुआ था वो? बिहार। आए बहु गुजरात, ये भी बहु महात्मा गांधी। ये कहाँ हुआ था बहु? कोई दिक्कत? गुजरात से हुआ था बहु। अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स वसूल कर रहे थे, इसे महात्मा गांधी ने माफ़ करवा दिया। माने वो अकाल पड़ गया था गुजरात में, तो अंग्रेज क्या कर रहा था, टैक्स वसूल कर रहा था, उसे माफ करा दिया के बहु महात्मा गांधी ने। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ से, गुजरात से। कब हुआ, 1918 में। टैक्स अकाल पड़ने के बाद भी टैक्स ले रहा था, इसको माफ कराया किसने, महात्मा गांधी। अवध किसान सभा, उन्नीस क्या बहु, इसे रामचंद्र ने प्रारंभ किया। किसानों का एक संगठन था, इसे स्टार्ट किया क्या बहु, रामचंद्र। कोई दिक्कत, एक इसके लिए था बहु, किसान का एक संगठन था, बस और कुछ नहीं। मोपला आंदोलन, मोपला आंदोलन, ये हुआ था बहु 1920 से 1922 तक ले। कैसे कह बहु, यह केरल से स्टार्ट हुआ था, कह बहु या केरल से, जिसको मालाबार तट के किसानों का एक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व बहु अली मुलसियर ने किया था। क्या बहु, इसका अली मुलसियर ने इसका नेतृत्व कब किया था बहु, अली मुलसियर ने। कोई दिक्कत, देखिए एक खास तात्पर्य नहीं, एक सेकेंड में याद हो जाएगा आप लोग को। मुल्ले अलसियर इसका नेतृत्व किया था कि वो मोपला आंदोलन का। अब आते हैं बारदोली सत्याग्रह, ये आप लोग पढ़ाए थे ना, आप लोग को बारदोली सत्याग्रह नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाए होंगे। एक दिन डेटिंग फार्मिंग वाला क्वेश्चन पढ़ा देंगे, सब डेट वाला, एसएसटी आप लोग के क्लियर। कब हुआ था, 1927। यह स्टार्ट हुआ था गुजरात के बारदोली। अकाल के दौरान टैक्स वसूलने के विरुद्ध एक आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। के बहु, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कोई दिक्कत, कहाँ से बहु, गुजरात से। इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के माध्यम से वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि, गांधी जी के माध्यम से के दिलाया वल्लभ भाई को उपाधि, महिला लोग। कोई दिक्कत, बिहार किसान सभा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बिहार सभा हुआ था कब, 1929 में। कोई दिक्कत, यह बिहार के किसानों का एक संगठन, जिसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद कर रहे थे। क्या बहु, स्वामी सहजानंद कर रहे थे। बिहार से किसान संगठन था। कोई दिक्कत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत।